हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी अबी पीडिया एंड आई वेलकम यू टू अबी पीडिया आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट सर नबार्ड ग्रेड एड ट्वेंटी फोर उसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें कब होने वाला है वो एग्ज़ाम उसके एग्जाम की डेट क्या रहेगी हमें अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए सो आई वॉज आई देट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है अपनी नबार्ड ग्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए उसकी एग्जाम डेट्स के बारे में सोचना है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड एवरीथिंग तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए अगर आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी यू यू विल नोट डाउन दोज थिंग्स यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स तो ऑटोमेटिकली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्ट्रेट अवे टेक यू टू दो थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कौन से पॉइंट्स है कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले

अगर आप इस साल एग्जाम भी उठा के देख लो लास्ट ईयर का भी उठा के देख लो आप एनालाइज करो सो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि एग्जाम ईजर साइड नहीं रहता थोड़ा डिफिकल्ट साइड रहता है डिफिकल्ट को आप इजी बना सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से इफेक्टिव वे में टाइमली स्टार्ट कर दे तो ऐसे नहीं होगा अगर आप वेट करते रहेंगे कि सर नोटिफिकेशन आए हम तब स्टार्ट करेंगे तब तो वो एग्जाम आपको डिफिकल्ट लगना ही लगना है कोई भी चीज डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी इजी तभी लगती है अगर आप उसको टाइमली और इफेक्टिवली स्टार्ट करें उसको समझे एग्जाम को क्या है क्या, है, क्या नहीं क्या डिमांड ऑफ एग्जाम क्या है उसके बाद ही बात बनेगी ना तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डेफिनेटली मीडियम टू टफ है यस देन देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ एग्जाम आपका पहले फेज वन होगा देन फेज टू एंड फाइनली इंटरव्यू जैसे भी इस साल वाले 2023 के लिए जो इंटरव्यू अभी ऑन गोइंग स्टार्ट होने वाले हैं सुनो तो उसके लिए फेज टू भी हो चुके हैं फेज वन क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फेज टू के अंदर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ एंड देन इज योर यलिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू अगर मैं इनके लेवल्स की बात करूं ना तो माई डियर फ्रेंड्स इट्स नॉट ईजी आपको हर एक लेवल के लिए तैयार करना पड़ेगा लाइक यहां पर अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए आपको आंसर राइटिंग कैपेबल होनी चाहिए कि आंसर राइटिंग लिखनी कैसे है नॉर्मली जो बच्चे स्पेशली सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रखे होते हैं तो उनके लिए एग्जाम थोड़ा सा ईजियर साइड इसलिए रहता है बिकॉज आंसर राइटिंग जो चीज है वो टैकल कर रहे होते हैं पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बट अगर आप उनमें से नहीं है एक तो आपके लिए डेफिनेटली ये भी एक हर्डल है आपको इसको भी क्रॉस करना, आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि बेस्ड टेस्ट होगा होगा आपका। लिखना तो नहीं, pen, तो नहीं पेन पेपर पे। आपको इन सब चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा यू शुड बी प्रिपेयर विद ऑल थिंग्स ये सारे जो हेडलाइन क्रॉस करना ही पड़ेगा ये सो नो सिलेबस जस्ट लुक एट सिलेबस इज एक्चुअली स्पेशली अगर आप एआर वाला जो टॉपिक है, अगर तो तो है, yes, है मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप चीजें कर नहीं सकते डेफिनेटली कवर हो जाएंगी तभी तो ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए आपको तभी समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि करना है लेकिन कैसे करना है तो आपको जो एआरडी वाला जो पार्ट है राइट ये अपना में बहुत ही वास्ट सिलेबस है लेकिन इसको कवर करने के भी तरीके हैं बट इट टेक्स टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टाइम इट्स अप टू यू की जब मैं बात करूं एक टाइम आप ले सकते हैं आराम से थोड़ा तसल्ली से इफेक्टिव वे में दिमाग को ज्यादा हैसल ना देते हुए पहले तैयारी करके स्टार्ट करके अपना आराम से एग्जाम डेट की ना वेट करते हुए वे, अपना पूरा टाइम लेके एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करें एक होगा कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा टाइम उस टाइम लाइक दो महीने के अंदर आपको चीज करनी है एक महीने में कुछ छह महीने के अंदर करनी है सेम अमाउंट को कंप्लीट करना है सेम टॉपिक्स कंप्लीट करने, तो so डेफिनेटली जितना एफर्ट आपका छह महीने में लगेगा इफिशियंट होगा वो इजी मैनर में होगा थोड़ा सा हैसल फ्री होगा लेकिन वही अगर आपको दो महीने में करना पड़े तो दिमाग पर डेफिनेटली बहुत टॉर्चर होता है वो आपको बैठना पड़ता है सीटिंग देनी पड़ती है उसके बाद जाके कई चीजें कवर होती हैं so हो कैसे कवर करेंगे देन ई एस आई अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एग्जाम की वेट ना कर रहा होता कि भाई एग्जाम की डेट आए उसके बाद शानकारी शुरू मैं इन सब चीज़ों को दिमाग में रखूँगा हमेशा क्योंकि एग्जाम टफ है एग्जाम में तीन तीन स्टेजेस हैं सब कुछ प्रिपेयर करना है आपको पहले से एडवांस प्रिपेयर करें बहुत अच्छी बात है देन सिलेबस भी कंप्लीट करना है पूरा ए आर डी का है ई एस आई है right? आपके अलर सब्जेक्ट्स भी हैं उन सबको कवर करना है यस सर लो देन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन डेफिनेटली 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 कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली ऑन अ इंक्रीज हाइयर साइड पे ही है एक टाइम था 2013-14 से पहले जब इतना कंपटीशन एज सच नहीं होता था बट अब आज की डेट में बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड और हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल भी इसके लिए कर रहे हैं हार्ड वर्किंग पीपल भी हैं तो इक्वली कैपेबल लोग हैं आपका कॉम्पिटिशन डेफिनेटली हाईअर साइड है और ये आपको दिखेगा भी सही जब नेक टू नेक एक, एक पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट टू फाइव तक के मार्क्स की इंपॉर्टेंस दिखेगी आप तो इंक्रीजिंग कंपटीशन तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल की चाहिए राइट देन पॉजिटिव आस्पेक्ट लेट्स टॉक आउट समस्पेक्ट की जो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है मोर देन अराउंड वन लाख रुपीज इन हैंड वन लाख रुपीज के अराउंड वन लैख प्लस मैं कहूंगा ग्रेजुएशन के बाद ही आपको एक लाख से ऊपर की सैलरी का वो मिल जाए एक ऑप्शन इससे अच्छा और क्या होगा अभी गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं बिकॉज आप गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली नबार्ड को एक बहुत ही स्टेबल करियर है राइट एक बहुत ही स्टेबल करियर एक ग्रोथ है नेक्स्ट पॉइंट मेरा वहीं है कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन रहेगी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं एक फिक्स चीज़ है आपके पास एक बहुत अच्छा बैकअप आ चुका है इसके बाद आप चाहे कुछ मर्जी करें लेकिन आपकी लाइफ सेट है इसके बाद एक पॉइंट पे आप सेटेबल हो चुके हैं अब आपको इससे ऊपर ही जाना है यस ये सर एक करियर ऑप्शन है आपका आपको करियर प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं हैंडसम सैलरी है नबार्ड टेक केयर सर एवरीथिंग आपकी हर चीज़ की टेक केयर करेगी नबार्ड आपको एक फील्ड वर्क मिलेगा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पर राइट तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको यहाँ पे आपको डेस्क जॉब नहीं आपको फील्ड वर्क भी मिलता है राइट right? right? लोग कहते हैं ना कि यार डेस्क जॉब नहीं चाहिए बैठे रहना नहीं यहाँ पर आपको फील्ड में जाना है आपको लोगों से इंटरेक्शन होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है हमेशा अच्छा लगता है काम करके भी राइट सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन अबाउट आपको इन सब चीजों को दिमाग में रखना है एंड आई होप इन सब चीजों को बताने का मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि यू विल बी एबल टू यू विल नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रिपरेशन के लिए ना नोटिफिकेशन वगैरह या एग्जाम डेट की आई वुड से एग्जाम डेट जैसी चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि एग्जाम डेट्स क्या होंगी कब स्टार्ट होगा कब नोटिफिकेशन आएगी नो यू नीड टू प्रिपेयर राइट अवे आपको छह महीने का एक प्लान बनाना है सिक्स मंथ्स प्लान बनाना है क्योंकि यू नेवर नो कब एग्जाम हो जाए जनवरी फेबर में भी नोटिफिकेशन आ सकती है बट उसके चांसेस ऑब्वियसली कम है बिकॉज अभी तो करंट एग्जाम चल रहे अभी तो नोटिफिकेशन आने के चांस कम है थोड़ा सा डिले हो गई थ्री फोर मंथ एटलीस्टेक इट विल टेक आपको कम से कम तीन एक महीने और अभी लगेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने के लिए तो आपको अकॉर्डिंगली अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए राइट right? अभी से प्रिपेरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए सो so दैट जब भी एक नोटिफिकेशन आए वेल प्रिपेयर हो आपको कोई चक्कर ही नहीं है आपको जैसे ही आना है बस आपका जब बेसिक आपका प्रिपेयर था बस आपको करंट अफेयर अपडेटेड रहना है प्रिपेयर करना है एग्जाम क्लियर करना है ऑफिसर बनना है और अपनी लाइफ को क्या करना है सेट करना है राइट सो दिस वॉज फॉर द नेक्स्ट फोर के जब एग्जाम होगा उसके लिए था एंड इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम अगर आप इस साल के जो इंटरव्यू है उसके लिए सिलेक्टेड है आप फेस टू क्लियर कर चुके हैं और आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है ऑप्शन so, अच्छा है राइट अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप अभी ढूंढ रहे हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ सो आई हैफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज दिस अभी मीडिया ने आपके लिए अभी पीडिया ने एक फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जहां पर बेस्ड ऑन योर आपके डेफ यूर बेसिस पे एक क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा वन वन ऑन आपका इंटरव्यू चलेगा राइट वेयर आई विल बी इवन आई ऑल्सो टेक इंटरव्यू आई विल बी टेलिंग यू वी विल बी टेलिंग यू बाई दै है क्या आपकी पर्सनैलिटी में कोई डाउट दो चीजें होती हैं एक आपकी पर्सनैलिटी और एक नॉलेज तो इस सेशन के अंदर आई विल बी टेलिंग यू कि आपकी पर्सनैलिटी में तो कोई इशू नहीं है आपके स्टडी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपके रेज्यूमे में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे कि नहीं और भी जितने भी न्यूनसीज होते हैं यू यू विल बी डीलिंग विद ऑल ऑल दिस 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 थिंग्स इज अवेलेबल फॉर इन इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम पर अपना book, तो, अपना बुक स्लॉट बुक कर सकते हैं राइट right? नीचे आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जहां पर जाइए अपना स्लॉट बुक कीजिए और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए राइट सो विद दिस आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर ए फ्यूचर एंड एंड अंटिल अवर नेक्स्ट वीडियो Take care and bye-bye. Thank you.